क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा के बाद तिलक क्यों लगाया जाता है? क्या कभी इस बारे में विचार किया है कि कई ऐसे घरों में देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हर दिन काम पर भी निकले उसके पहले उसके माथे पर तिलक लगा दिया जाता है, ये कहकर कि तिलक लगा लिया है ना तो आज का दिन अच्छा जाएगा, सारा काम अच्छे तरीके से होगा, दिन काफी शुभ रहेगा। नहीं सोचा? तो चलिए साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। यह हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में तिलक का एक अपना महत्व है। तिलक लगाना तो बेहद जरूरी होता ही है, लेकिन तिलक किस रंग का है वो भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है, उसका भी अपना एक महत्व होता है। तिलक को शुभ और अशुभ से जोड़कर देखा जाता है, ये तो हम सब जानते ही हैं कि किसी भी शुभ काम के पहले तिलक लगाना अनिवार्य हो जाता है। अगर तिलक लगाते वक्त टेढ़ा लग जाए तो उसे कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा शुभ तो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अशुभ भी मान लेते हैं, और इन सब की जड़ें कहाँ जुड़ती है हम ये बात जानने और समझने की आज कोशिश करने वाले हैं। तो तिलक और विज्ञान, आपने कभी सोचा है कि इसके बीच में भी कोई कनेक्शन रहा होगा? जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उनका कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक रूट हमेशा होता ही है, तो तिलक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही मामला है। आपने ये नोटिस किया है कि तिलक कहाँ लगाना है और किस उंगली से लगाना है, इस चीज़ को लेकर एक रूल फिक्स कर दिया गया है। इसी उंगली के माध्यम से तिलक लगाया जाता है और दोनों आईब्रोज के बीच में एकदम सेंटर पॉइंट पे ही तिलक लगाना अनिवार्य होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये बताया जाता है कि दोनों आईब्रोज के बीच में जो मस्तिष्क का सेंटर पॉइंट होता है उसे आज्ञा चक्र कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, जो एकदम सेंटर पॉइंट होता है मस्तिष्क के बीच का उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, जिसे कई लोग गुरु चक्र भी कहते हैं। और ये कहा जाता है कि पूरी जो ह्यूमन बॉडी है, जो इंसान का एक पूरा शरीर है, उसका ये सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ पर 7 ऐसी इंद्रियां हैं जिसकी मदद से पूरा का पूरा मानव शरीर चलता है, और इसीलिए इस चक्र को ज़्यादा खास महत्व दिया गया है। इसीलिए तिलक यहीं पर लगाया जाता है ताकि पूरी ह्यूमन बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो यहाँ से चलता रहे। जब तिलक लगाया जाता है तो उस पर एक खास प्रेशर भी दिया जाता है, जिसे एक प्रेशर पॉइंट की तरह काम करता है, और उससे पूरे ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेशन है, पूरे मानव शरीर का जो संतुलन है वो मेंटेन रहता है। ये भी कहा जाता है कि ये चक्र जो है वो सोच का केंद्र है, यानी कि यहीं से आपकी सारी थिंकिंग की शुरुआत होती है। आपका जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा आपके दोनों आईब्रोज के बीच में मस्तिष्क के इसी सेंटर पॉइंट पर केंद्रित रहता है, इसीलिए यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। और तिलक किस चीज़ से लगाया जा रहा है, चाहे वो कुमकुम का तिलक हो, चाहे वो चंदन का तिलक हो, या फिर वो विभूति ही हो, उसका भी एक खास कारण हो। अगर हम लोग कुमकुम का तिलक लगाते हैं जिसका कि लाल रंग होता है, तो ये कहा जाता है कि लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, यानी कि ऊर्जा, उत्साह, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। लेकिन वही बात अगर चंदन के तिलक की जाए तो वो अलग चीज़ें दिखाता है, वो पवित्रता दिखाता है, वो प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा को दिखाता है। इसीलिए दोनों तिलक का अपना अपना महत्व है। तो वही अगर विभूति की बात की जाए, या फिर वो तिलक जो महादेव की पूजा के बाद खास तौर पे लगाया जाता है, जो उनकी मूर्तियों पर अक्सर लगाया जाता है, तो वो मोह माया से दूर होने का एक इशारा है। जी हाँ, वो तिलक ये दर्शाता है कि आप दुनिया की मोह माया को छोड़ चुके हैं, वो छोड़कर आप आगे बढ़ चुके हैं, या फिर संसार के जितने भी मोह हैं उनको आप त्याग चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटर पॉइंट पर तिलक लगाना ये साइंटिफिक रीजन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे शरीर का केंद्र माना गया है। ये भी बताया जाता है कि इससे आपकी एकाग्रता जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। साथ ही साथ अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो ये भी माना गया है कि यहाँ पर बृहस्पति का स्थान है, जो कि सारे देवों के गुरु हैं, इसीलिए इसे गुरुचक्र भी कहा जाता है। इसीलिए इसी सेंटर पॉइंट पर तिलक लगाने से आपका जो माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, और आप ओवरऑल एक ज़्यादा माइंडफुल लाइफ जीते हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ जीते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ज्ञान अड्डा में आज तिलक से जुड़ा ये ज्ञान आपको पसंद आया होगा। अब तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और किन मुद्दों पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।